सदियों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को एक नई क्रांति की ओर देश को लेने के लिए एक नई संदेश दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, जो भी भाई और बहनों थोड़ा भटक गए हैं वो NDA छोड़ के कांग्रेस के साथ आ जाइए और शरण बसिए, और शरण लेने के बाद हम उनको क्षमा करेंगे और कांग्रेस सभी को एक विशाल इंडिया बनाने के लिए, सशक्त मजबूत इंडिया बनाने के लिए आपको भी एक मौका देगा। आप अपना गलती को स्वीकार कीजिए और निश्चित। पद्माकर गुरु, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और पार्टी के प्रवक्ता, ये पूरे प्रकरण को किस तरीके से आप देख रहे हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता वापस आने की बात हो रही है, और ख़ासतौर पर जब गुजरात के हाईकोर्ट में उनकी बातों को लेकर संज्ञान में लिया गया और फिर उनकी जीत हासिल हुई है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ना कभी हारे हुए नेता है, ना राहुल गांधी कभी जीतने के माहौल में कभी दुख व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी हमेशा भारत की आत्मा को जोड़ने की बात करते हैं और भारतवासियों का जो मुद्दा है उसको संसद के अंदर और संसद के बाहर अच्छे तरीके से निर्वहन करना राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। अभी सर, हाल ही में हमने देखा है कि जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह जी पहुंचे हैं उड़ीसा और वहां पर जाकर गाँव में ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनके बातों से उड़ीसा के लोगों के मन में जागृति होगी या फिर उड़ीसा के लोगों ने कुछ बात अपना बना लिया है मन में? देखिए, अमित शाह का उड़ीसा का गश्त का दौरा जो था उसमें नवीन बाबू अमित शाह फेविकल की जोड़ की तरह मजबूत रिश्ता बनाया है। भाजपा और BJD के बीच में सांठगांठ की सरकार, अघोषित सरकार उड़ीसा में चल रहा है। दोनों रात में अपनी तरफ रुझान को लेने के लिए प्रयास करते हैं और जनता के बीच में जब इलेक्शन के माहौल आता है तो वहाँ पर क्वारल करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी मुद्दा है, BJD और भाजपा के आदर्श में कोई अंतर नहीं है। नवीन बाबू हर क्षेत्र में, हर बिल में मोदी बाबू को समर्थन करते हैं। मोदी जी नवीन बाबू को इलेक्शन के टाइम में प्रशंसा करते हैं। अमित शाह, उनका चाणक्य जो जाते हैं उड़ीसा, वो नवीन बाबू को तारीफ करते हैं। और उधर भाजपा के कार्यकर्ता के मनोबल के ऊपर क्या असर पड़ेगा आपको बताइए। यहाँ संघर्ष रहते हैं कार्यकर्ता, ऊपर बड़े बड़े नेता आपस में लौह और चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। इसमें कार्यकर्ता के मनोबल के ऊपर असर पड़ेगा। और ये शुरू से मैं कहा हूँ, जब भी मनमोहन सामल भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा का अध्यक्ष रहे हैं तब तब उड़ीसा में BJD और भाजपा के बीच में गठबंधन हुआ है, और आज फिर मनमोहन सामल जी भाजपा के उड़ीसा के अध्यक्ष हैं और उनका अंदरूनी मंशा है कि उड़ीसा में BJD और भाजपा के बीच में 2000 से 2009 तक जैसा गठबंधन था, इस बार भी वही गठबंधन हो जाए और आपस में ये दिल्ली लूटेंगे, वो प्रदेश को लूटते जाएंगे। तो ये लूटने की राजनीति कब तक चलेगी? वो लूटने की राजनीति का जो प्रक्रिया 23 साल नवीन बाबू उड़ीसा में कर रहे हैं और यहाँ 9 साल की सरकार जिन्होंने खोखले वादे किए, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ सालाना बेरोजगार शिक्षित युवाओं को हम नौकरी देंगे, वो कहाँ गया? अभी जब इलेक्शन के माहौल आ रहा है तो क्या कर रहे हैं ना, एक एक सभा करके किसी को 300 का नौकरी, 600 नौकरी, 700 नौकरी, ये सब जॉब देने की मेला कर रहे हैं। ये जनता जनार्दन सब कुछ देख रहे हैं। नौजवानों का हौसला अभी काफ़ी टूट रहा है। हर क्षेत्र में केंद्र सरकार, उड़ीसा के नवीन बाबू सरकार विफल रहे हैं। महिलाओं के ऊपर आक्रोश बढ़ रहा है, किसानों आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं और आम आदमी जो कम्युनिटी गुड्स हैं उसको खरीदने में उनके पास पैसा नहीं है, और डेली ATM में अगर आप कहीं पर 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया ATM में जाकर अपना ATM कार्ड लेते हैं और पैसा उठाते हैं तो सालाना 200-300 रुपया उसमें भी कट जाता है। तो आम आदमी को धोखा देने के लिए केंद्र के नवीन बाबू के साथी जो नरेंद्र मोदी सरकार में हैं वो बहुत ही चतुरता के साथ लोगों के आस्था और विश्वास को पीछे लात लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। झूठे वायदे के साथ बड़े बड़े वादा करके उस टाइम क्या कह रहे थे स्मृति ईरानी जी, गैस टांकी लेकर अपने सिर के ऊपर रख कर, कंधों पर रख कर क्या बोलते थे,
आपको मालूम है उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, गैस का दर 414 रुपया था डोमेस्टिक गैस, और कमर्शियल गैस का भाव था 790 रुपये। अभी क्या हो गया, 1140 हो गया डोमेस्टिक और 2300 पार हो गया है कमर्शियल गैस। उस टाइम पेट्रोल का कीमत कितना था, 62 रुपया था, लेकिन अब क्या हो गया, 100 रुपया पार हो गया। तो डीजल का भाव 58 रुपया था, अब 98 से 102 हो गया है, और सीएनजी का गैस 40 रुपीस था, अब सीएनजी हो गया 72 रुपया। तो किसी आम लोग जिंदगी को बेहतर रूप से आगे बढ़ाएंगे, आप बताइए ना। देखिए, यदि हम उड़ीसा की बात करें और वहाँ के जनता जनार्दन की बात करें, तो ख़ास तौर पर हमको ये देखने को मिलता है कि लोग जो भावनाएँ हैं, चाहे वो धार्मिक भावनाएँ हैं, राजनीतिक भावनाएँ हैं, इनसे बहुत प्रेरित होते हैं। बात ये हो गई कि जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति में धर्म का एक बहुत बड़ा स्थान होता है, और इससे बहुत सारे जनमानस जो है इससे इकट्ठे होते हैं, चाहे हम जगन्नाथपुरी की बात कर लें या फिर अभी जो हाल ही में वहाँ पर बाढ़ की हालत हुई थी, इन दोनों चीज़ों से यदि हम समन्वय स्थापित करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जनमानस की जो भावनाएं वो बाढ़ के अंदर में जो वो जिस तरीके से उनको सुविधा नहीं मिल पाए जो मिलना चाहिए था मौजूदा सरकार के विषय में, ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो जनता है, इस बार की जनता ने कुछ मूड बना लिया है? देखिए, जनता अच्छे तरीके से मूड बना चुके हैं। कर्नाटक का रुझान आपने देखा, हिमाचल का रुझान आपने देखा और सुना। अभी जो आने वाला दिनों में दिसंबर महीना में जो रुझान आएगा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आपका मिजोरम और मध्य प्रदेश, जो चारों स्टेट में जो रुझान आएगा, इससे मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। मैंडेट एनडीए के सपक्ष में नहीं जाएगा, भाजपा के सपक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जनता को धोखा दिए हैं, जनता का आस्था और विश्वास और भरोसा के वो खरे नहीं उतर पाए हैं, तो इसीलिए वो इंडिया को ही वोट देंगे और ख़ास तौर पर कांग्रेस के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। देखिए, इंडिया की आप बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो पक्ष, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो हमेशा ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया ये नकली इंडिया है, क्योंकि आई डॉट हर जगह वहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो डॉट लगने से जो है वो नकलीपन का एक एहसास आएगा, तो उसको कांग्रेस किस तरीके से स्थापित कर पाएगी? देखिए, राजीव जी के टाइम में कंप्यूटरीकरण का क्रांति बहाल हुआ था, आईटी इंफॉर्मेशन सेक्टर में तब्दील हुआ था। आज हम सब जब ईमेल में भरोसा करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भरोसा करते हैं, वहाँ पर अगर किसी का ईमेल आईडी आप खोलेंगे तो वहाँ पर डॉट का भी इस्तेमाल होता है। तो डॉट हमेशा, डॉट से आप आगे बढ़ सकते हैं। हम जब संसार में जन्म लिए तो डॉट से ही हम पहला पड़ाव को शुरू किए, ओम से अपना जिंदगी शुरू हुआ। तो मैं किसी धर्मीय भावना को हानि नहीं पहुंचना चाहता हूं, धर्म अपना अपना स्तर पर है, लेकिन भारत एक है। जो इंडिया को नकली बोलते हैं, मैं उनको नकली आदमी नहीं कहूंगा, वो झूठे हो सकते हैं, वो फरेब हो सकते हैं, लेकिन वो भारतीय हैं, और भारतीय होने का गर्व जितना हम पर लागू होता है, उनको भी वो गर्व को वो महसूस करें। लेकिन तमाम मीडिया चैनलों पर तो यही सिर्फ हावी रहता है कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, और वहाँ पर तमाम ऐसी बातें होती है जो कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के समर्थन में बात होती है, तो किस तरीके से आप मीडिया को देखते हैं? वाणी पर संयम रखना हम सबका जिम्मेदारी है, हम ऐसे व्यवहार करें चाहे विपक्ष भी हमारा तरफ अपना रुझान को ले आए। मैं इसीलिए बोलता हूँ, भारत वर्ष हम सबका है, इंडिया के अंदर एनडीए भी है, एनडीए वाले को समझ लेना चाहिए, वो इंडिया के पक्ष में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? जब वो नकार सकते हैं, जब वो लोगों के विश्वास को खरे नहीं उतरे हैं, वो खुद सत्ता को छोड़ देना चाहिए और इंडिया के पक्ष में शरण लेने की आवश्यकता है, तभी उनको हम क्षमा कर सकते हैं, भारतवासी क्षमा कर सकते हैं। सर, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, और वहाँ पर जिस तरीके से कोहराम मचा है, और तमाम ऐसे 3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो रहा है वहाँ पर, और मणिपुर पूरे हिंसा की आग में जल रहा है, ऐसे में कुकी और मैदेई समुदाय एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। भाईचारा, अमन, शांति की बहाल हम चाहते हैं, और एक गणतंत्र में और संविधान में हम इसको ज़्यादा प्राथमिक दिए हुए हैं। जो हिंसा के तरफ उनका रुख अपना रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हिंसा छोड़ दीजिए, हिंसा में कोई समाधान नहीं होता है। 100-100 लोगों उन्होंने निधन हुए हैं, हम उनके परिवारजनों को सांत्वना देते हैं, हिंसा कभी किसी समस्या का हल नहीं है। लेकिन खासतौर पर वो जब महिलाओं की स्थिति सामने आती है, जो पूरे देश ने देखा है, वैसा मंजर देखा है, वैसा तस्वीरें पूरे देश के सामने हुए, पूरा देश जो है वो शर्म से झुक गया था,
महिलाओं के प्रति इस तरह से? मेरी माता बहनों के ऊपर ऐसा हिंसा नहीं होना चाहिए था। जहां वहां पर डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार सभी डिब्बा को लेकर इधर उधर चला गया है, वो डिब्बा के ऊपर उनका कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं शांति और अमन किस प्रकार वहां पर आगे आने वाला दिनों में बहाल हो, और दोनों डबल इंजन सरकार को इस बार जनता ने बिल्कुल नकार देंगे और रुझान बिल्कुल इंडिया के समक्ष में आएगा। कांग्रेस के नेतृत्व में आने वाला दिनों में जो महाराष्ट्र में जो भी बैठक होने वाला जा रहा है, विश्वस्त सूत्र से मुझे पता लगा हुआ है, अगर ऐसे माहौल लगातार चलता जाएगा, नौजवानों के मुँह में कांग्रेस ही सिर्फ खुशी दे सकता है, माताओं का सम्मान इज्जत कांग्रेस ही दे सकता है, और देश के किसानों के मुँह में खुशहाली कांग्रेस ही दे सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम सब एकजुट होकर कांग्रेस की इस आत्मा को मजबूत बनाएं और भारत को सशक्त बनाएं और एक नई इंडिया जो विकसित इंडिया बने। लेकिन एनडीए ने जो किया है उसको कभी जनता माफ नहीं करने वाले हैं, और एनडीए को जवाब देना पड़ेगा, चाहे संसद के अंदर में हो या सड़क में। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज देश में एक नई क्रांति के माहौल किया है, इस माहौल आने वाले कई पीढ़ियों तक, सदियों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को एक नई क्रांति की और देश को लेने के लिए एक नई संदेश दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, जो भी भाई और बहनों थोड़ा भटक गए हैं वो एनडीए छोड़ के कांग्रेस के साथ आ जाइए और शरण बसिए, और शरण लेने के बाद हम उनको क्षमा करेंगे और कांग्रेस सभी को एक विशाल इंडिया बनाने के लिए, सशक्त मजबूत इंडिया बनाने के लिए आपको भी एक मौका देगा। आप अपना गलती को स्वीकार कीजिए और निसर्ग क्षमा प्रार्थना कीजिए, तभी इंडिया उन सबको भी शामिल करने के लिए कोई दुविधा नहीं रहेगा।